भारत सरकार ने जनता की सहूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन, वाहन रजिस्ट्रेशन संबंधी सभी कार्य पब्लिक डोमेन में दे दिए हैं। इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका एड्रेस है www.parivahan.gov.in। जैसे ही आप इसको गूगल पे या किसी सर्च इंजन से खोलेंगे तो यह स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद में आपको अपनी नाम डालना है, अपने मोबाइल नंबर डालना है, अपने स्टेट डालना है, तो उसके बाद में आपकी, जैसे हमने अभी दिल्ली की खोली है तो दिल्ली की आपका होम पेज आ जाएगा। इसके बाद में जब आप इसको नाम और मोबाइल और ईमेल डालते हैं तो आपका एक OTP जनरेट होगा जो आपके मोबाइल पर आएगा। आप उस OTP को डालेंगे तब फिर आपका होम पेज आपके लिए खुल जाएगा। इसके बाद में हमारे पास कुछ ऑप्शन आती हैं, जैसे होम, होम का मतलब होम पेज है। उसके बाद में डैशबोर्ड, यानी कि किसी भी प्रकार की आपको रिपोर्ट या कोई प्रोग्रेस चेक करनी है वो है। फिर इसके बाद में आता है ऑनलाइन सर्विस, और फिर इसके बाद में स्टेटस। तो आप इसमें ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे तो इसमें आपके पास कुछ पहले ऑप्शन आती है। एक है पहली मोबाइल अपडेट मोबाइल नंबर, दूसरा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, तीसरा है एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उसके बाद में है अल्टरेशन ऑफ व्हीकल RC पर्टिकुलर। तो ये अलग अलग ऑप्शन है जिसके लिए आपको पहले विभाग में जाना पड़ता था, ऑफिसों में घंटों चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ये सारी इंफॉर्मेशनें आपके डोर स्टेप पर हैं, आपके लैपटॉप पर हैं। तो हम इसमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास उसी तरह से गाड़ी का हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद में अपना जो लास्ट के चेसी के 5 डिजिट ये डालेंगे, और उसके बाद में आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला है वो डालेंगे। तब फिर इसके बाद में आपके पास जनरेट OTP आएगा, यानी कि आपके फ़ोन पर OTP वन टाइम पासवर्ड नंबर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे।